Before watching this video, please don't forget to subscribe our channel and push the bell icon button. The Nation Guider, a light of hope, a channel which carries you through the history to the bright future. Let's have another journey to the Muslim countries in a pictorial way. Let's find out how beautiful norms and cultures Muslims have. डियर लिसनर, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर सब यूनाइट हो जाए तो यकीन करें पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। मुसलमानों के तारुफ के अंदर हम पहुंच गए हैं अपनी चौथी वीडियो पर, और जिस मुल्क का हम तारुफ आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है द रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया। ये भी एक मुसलमान मुल्क है, ये भी उन फलक के सितारों में से एक सितारा है जो आसमान पर चमक रहे हैं। मुसलमान ममालिक मॉरिटानिया भी एक ऐसा मुल्क है जो समुंदर के किनारे वाकया है। इस पर भी साहले समुंदर है, इसकी अपनी तहजीब, अपनी सकाफत है। मुसलमान बाकी ममालक की तरह इस मुल्क के अंदर भी तारीखी अपनी तारीखी विरसा है। इसका ज्यादातर हिस्सा कॉपर पर और सी फूड पर मुनहसर है। इस मुल्क में अपनी तर्ज के फन तामीर है। ये मुल्क भी बाकी मुसलमान मुल्कों की तरह आबादी में बड़ा गुंजान है। डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, कि मुसलमान सारे जो अलग अलग हैं, छोटी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो अगर मिलकर एक ताकत बन जाएं, एक आवाज बन जाएं, तो यकीन करें पूरी दुनिया से मुसलमानों की ना सिर्फ गुरबत खत्म हो जाए बल्कि उनकी ताकत भी बन जाए। इसी तरह इसी तारुफ में जो अगला मुल्क है जिसको हम बयान करने जा रहे हैं वो है किंगडम ऑफ मोरक्को। ये भी मुसलमान मुल्क है, दुनिया के नक्शे पर ये आया है। इसकी अपनी तारीखी विरसा है, इसका अपना फन तामीर है। तारीख में ये बहुत तारीखी सकाफत के लिहाज से ये बड़ा रिच माना जाता है। इसकी अपनी फन तमीर का भी वही इस्लामिक फन तमीर का टच इसमें नुमाया है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ी चोटियां हैं, यहाँ पर बंजर पहाड़, जो चटियल मैदान, रेगिस्तान, बिल्कुल हर तरह की सीनरी से ये मुल्क भरपूर है। टूरिज्म को लिए भी ये मुल्क बहुत फेवरेट है। यहाँ पर भी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। इसके अलावा ये मुल्क भी साहिल समुंदर पर वाकया है। इसकी अपनी बर्री, बहरी और हवाई फौज भी है, और ये जियो स्ट्रेटजिकली ये दुनिया में अहम हिस्से पर वाकया है। यहाँ पर भी बुलंदोबाला इमारतें आपको मिलेंगी। इस मुल्क की इकोनॉमी ज्यादातर इंसुलेटेड वायर और कॉपर पर है। ये इंडस्ट्री की तरफ रागब है ये मुल्क। इसका अपने फन तामीर है, इसकी फन तामीर दुनिया में यूनिक है। तारीखी लिहाज से भी किंगडम ऑफ मोरक्को की अपनी एक हैसियत है। इसके साथ साथ किंगडम ऑफ मोरक्को ज़राअत में भी बड़ा अहम है। यहाँ पर फ्रूट्स बहुत मशहूर है दुनिया में। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जाता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो डियर व्यूअर्स, बहुत से खूबसूरत इस्लामी मुल्कों में किंगडम ऑफ मोरक्को का शुमार भी होता है। अगर ये सारे इस्लामी मुल्क एक नगीने की तरह अगर आपस में जुड़ जाएं, आपस में इनका यूनाइट हो जाए, तो यकीन करें दुनिया में मुसलमानों की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो आवाज बन सकती है। लाजमी नहीं है कि आपस में एक हो जाएं, लेकिन चलें किसी हद तक इन्हें यूनाइटेड होना चाहिए। अगला जो मुल्क है डियर व्यूवर्स मुसलमानों के इस लड़ी में से, वो है द रिपब्लिक ऑफ मोज़ेम्बिक्यू। ये मुल्क मोज़ेम्बिक्यू, ये भी मुसलमानों का एक मुल्क है। इस मुल्क का भी अपनी फन तामीर है, इसकी भी बर्री, बहरी और हवाई फौज है। ये भी ज़राअत पर भी इसका इन्हसार है। समुंदर इस मुल्क में भी है, यानी ये भी समुंदर के साहिल पर है, और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी ये मुल्क भी दुनिया के नक्शे में रखता है। इस्लामी मुबारक में द रिपब्लिक ऑफ मोज़ेम्बिक्यू एक खास किस्म का, इसकी अपनी एक जगह है, इसका अपना फन तामीर है, इसकी अपनी सकाफत है। इनकी इकोनॉमी में टोबैको और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नुमाया यहाँ पर है।
साहिल समुंदर की वजह से सी फूड इनके बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा इनका अपनी तारीखी तौर पर एक मुकाम है दुनिया के नक्शे पर। इनकी अपनी एयरलाइंस भी है बाकी मुल्कों की तरह। फन तमीर इनका, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो यूनिक है। इस्लामिक फन तमीर हर मुसलमान मुल्कों में आपको नजर आएगा और हर मुल्क में एक इस्लामिक टच आपको मिलता है, वही टच आपको मुजब्बे की भी मिलेगा। इसके अलावा जो अगला मुल्क है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं डियर व्यूअर्स, इस्लाम की इस खूबसूरत लड़ी में इस तस्वीर का एक और दाना, द रिपब्लिक ऑफ नाइजर। द रिपब्लिक ऑफ नाइजर भी मुसलमानों के जिस्म का एक हिस्सा। इस मुल्क के झंडे में भी तीन रंग हैं, सुरख, सब्ज और सफेद। इसका कौमी निशान आपके सामने है। रिपब्लिक ऑफ नाइजर भी दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह एक इस्लामी टच लिए हुए है। इसके भी जियो स्ट्रेटजिकल पोजिशन बड़ी अहम है दुनिया के नक्शे में। ये भी एक बड़ी अहम जगह पे वाकया है। इस मुल्क में भी अपने इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस मुल्क का अपना तहजीबी विरसा है। इस मुल्क का अपना तारीखी विरसा है। इसके अलावा इस मुल्क के भी अपनी फन तमीर का एक अपना अंदाज है और ये डिफरेंट यूनिक अंदाज आपको और बाकी मुल्कों में कम नजर आएगा। यहाँ की मसाजद, यहाँ का फन तामीर यूनिक किस्म का है। डियर व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं इस्लामी ममालक की और ये आपके सामने एक सीरीज हमने शुरू की हुई है जिसके अंदर हम पिक्टोरियल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तमाम इस्लामी ममालक का। रिसेंटली जो फलस्तीन और इसराइल का मसला बना है और उसमें तमाम इस्लामी ममालक की खामोशी ने मुझे मजबूर किया कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को ये पता चल सके कि उनकी ताकत कितनी है और वो किस कदर स्ट्रांग है, बशर्ते के वो आपस में यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। बस यही चीज है। अगर कोई भी अहले इलम अहले अकल बंदा इस चीज पे नजर दिलाएगा तो उसको समझ आएगी कि दुनिया में मुसलमान इसलिए जिलो खुआर है और रुस्वा हो रहे हैं कि उनके दरमियान यूनिटी नहीं है। तो आपके सामने हम दिखा रहे हैं हिस्ट्री, तारीख रिपब्लिक ऑफ नाइजर की, जिसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका अपना अपनी एक यूनिक किस्म की फन तमीर है और इसकी भी तारीख के अंदर आपको इस्लामी टच मिलेगा। मुसलमान जहां जहां भी रहते हैं उनकी फन तामीर हो, उनकी सकाफत हो, उनकी तहजीब हो, उसके अंदर इस्लाम का टच आना इसलिए भी जरूरी है कि मुसलमानों में इस्लाम पहले है और बाकी चीजें इस्लाम के अकॉर्डिंगली सारे मुसलमान सेट करते हैं। इसलिए आप जहां भी देखेंगे आपको इस्लामी टच नजर आएगा। डियर व्यूअर्स, इस लड़ी की अगले दाने की, तस्बीह के दाने की अगर हम बात करें तो वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। दुनिया के नक्शे में ये भी एक बेहतरीन इस्लामी मुल्क है जो जियोग्राफिकली अपनी जियोग्राफिकली यूनिक आइडेंटिटी रखता है। इसकी भी अपनी एक सकाफत है, अपनी तहजीब है और अपनी तारीख है। जैसे कि बाकी मुल्कों में, इस मुल्क के अंदर भी आपको फन तामीर में इस्लामिक टच नज़र आएगा। दुनिया के नक्शे पर ये अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। इनकी भी अपनी अफवाज हैं और ये भी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज, तीनों अफवाज रखते हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर भी अपने एक यूनिक किस्म की सीनरी है, पहाड़ी इलाका जात है, सरसब्ज किस्म की चट्टाने हैं। इसके अलावा मैदानी इलाका भी इस मुल्क में है और यहाँ की आबादी भी गुंजान है। द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के तर्ज जो फन तामीर है वो बिल्कुल बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह है। इसका ज्यादातर हिस्सा ज़राअत पर इन्हसार करता है और इसके अलावा ये मुल्क भी उन मुल्कों में शामिल है जो साहिल समुंदर रखते हैं। साहिल समुंदर की वजह से दुनिया की जो मईशत है उसके अंदर ये मुल्क अहम किरदार अदा करता है। फन तमीर के लिहाज से और सकाफत के लिहाज से ये बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह इस मुल्क के भी फन तमीर इस्लामिक टच पर है, इस्लामिक तर्ज तमीर है। मसाजिद का तामीर, मसाजिद की तामीर यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान में मसाजिद की तामीर की तरह है और इस तरह मक्का और मौजमा की जो जिस तरह मसाजिद तामीर की गई हैं वहाँ, उसी तरह यहाँ भी मसाजिद तामीर की जाती हैं। डियर व्यूअर्स, हम जो मुसलमान मुल्कों के पिक्टोरियल तारुफ करवा रहे हैं उसके अंदर आपके सामने जिस वक्त मुल्क जिसका तारुफ हम करवा रहे हैं वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। यहाँ भी खेलों की तरफ बहुत तवज्जो दी जाती है। डियर व्यूअर्स, इस तारुफ के अंदर, इस मुसलमान ममालक की इस तस्वीर के दाने के अंदर जो अगला मुल्क है वो है सुल्तानेट ऑफ ओमान, यानी ये ओमान की सल्तनत है। इसका भी अपना दुनिया के नक्शे पर
एक अपना मुकाम है, ये चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ मुल्क है। इसका फन तमीर अरबी सकाफत से बहुत करीब है, अरबी तर्ज तमीर इनकी जो फन तमीर है उसमें नुमाया नजर आता है। इसके अलावा समुंदर साहिल समुंदर पर होने के वजह से, साहिल समुंदर पर बनाए जाने वाले आबाद की जाने वाली आबादी शहरों की वजह से, शहरों की तर्ज पर इसकी भी फन तमीर है। और इसकी फन तमीर में भी इस्लामिक टच आपको नजर आएगा जिस तरह बाकी इस्लामी मुल्कों में आपको नजर आता है। तेल के जखायर होने की वजह से ये मुल्क भी दुनिया की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है। और इस मुल्क की ज्यादातर हिस्सा जो है वो मैंने पहले बता चुका हूँ, क्रूड ऑयल पर है। इस तरह गैस पर भी इस मुल्क की इकोनॉमी का इन्हसार है। गैस और ऑयल होने की वजह से जाहिर बात है ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में इसका शुमार होता है। और मुसलमान मुल्क है, जाहिर बात है जो हम बात करने जा रहे हैं ये तारुफ करवाने का मकसद वही है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और अगर ये सारे मुसलमान यूनाइट हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो यकीन करें कि दुनिया में इनकी ताकत जो है उसका तोती बोले। सल्तनत ओमान जो है उसके, जैसे मैंने कहा कि चार तीन तरफ से समंदर है, तो समंदर की वजह से इसके बीचेस, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सैर सियाहत के लिए बहुत ही दीदनी है और बहुत ही पुरकशिश है। क्योंकि फाइनेंशियल तौर पर ये मुल्क स्ट्रांग है, तो लिहाजा इसकी फन तामीर में बहुत कमाल की महारत हासिल की है दूसरे अरब ममालिक की तरह, जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और इन मुसलमान मुल्कों में अगले जिस मुल्क की आप बात करने जा रहे हैं वो है किंगडम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन भी दुनिया के नक्शे पर अगरचे एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लामिक तर्ज तामीर, इस्लामिक सकाफत को रिप्रेजेंट करता है। इसके झंडे में चार रंग है, सबज, सफेद, काला और सुर्ख। इस मुल्क के फन तामीर इस्लामिक तर्ज तामीर है, और इसके अलावा इसकी तहजीब भी इस्लामिक है। तारीखी लिहाज से और जियोग्राफिकली ये मुल्क बड़ी अहम हैसियत रखता है, और मुस्लिम ममालिक में भी इस मुल्क का एक अपना एक नाम है। यहाँ पर भी जमहूरी निज़ाम है, और इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ है, समंदर है और कुछ चटियल मैदान है। ये इसकी आपको जो लैंडस्केप में मिलेगा। इस मुल्क के अंदर भी जो फन तामीर है वो बड़ा जिद्दत। इस मुल्क की जो मईशत है उसका इन्हसार ज्यादातर गोल्ड माइनिंग पर है, इसके अलावा और बहुत से केमिकल्स और मिक्स इंडस्ट्रीज का दारोमदार इनकी मईशत पर है, और ये बहुत सी इंडस्ट्रीज इस मुल्क में हैं। इसके अलावा ज़राअत पर भी इस मुल्क का इन्हसार है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक बेहतरीन इस्लामी मुल्क के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके यहाँ लैंडस्केप्स बड़ी खूबसूरत हैं, इसका फन तमीर मसाजिद और दूसरी फन तमीर इस्लामिक टच के साथ है। डियर व्यूअर्स, जो हम इस्लाम मुल्कों की बात कर रहे हैं उसके अंदर जॉर्डन की जो सकाफत है वो एक अपनी यूनिक किस्म की है। इसके बाद अगली बारी आती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। डियर व्यूअर्स, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे पर एक उभरती हुई जो है ये जमहूरियत है। अगरचे कि ये भी दुनिया के नक्शे में छोटा सा मुल्क है, लेकिन अपने फन तामीर, अपनी सकाफत के लिहाज से इस मुल्क में भी इस्लामिक टच आपको मिलेगा फन तामीर में। इसके अलावा जदीदियत का रंग भी आपको यहाँ पर फन तामीर में नजर आएगा। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान जदीद और तारीखी सकाफत की मिलाप है तो ये झूठ ना होगा। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुनिया के दूसरे नंबर पर बुलंद तरीन चोटी K2, इसके अलावा चरागाहें, सरसब्ज पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, मैदान, समंदर, इसके अलावा सहरा और बेहतरीन खूबसूरत लैंडस्केप से सजा हुआ यह मुल्क पाकिस्तान, जो जहां पर टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन कुछ नामुसाइद हालात की वजह से पाकिस्तान टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर सका। उम्मीद है अब आगे बढ़कर ये मुल्क अपने टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। इसके अलावा इस्लामी मुल्कों की जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है और कर भी सकता है, कि अगर ये सारे इस्लामी मुल्कों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर सकें, OIC जैसे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर भी शायद दुनिया को इकट्ठे नजर
नहीं आ रहे, उसमें भी ये अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इस मुल्क का ज्यादातर इमोशन का ज्यादातर इनसार जो है वो ज़राअत पर है, इसके अलावा अब ये इंडस्ट्रीज की तरफ भी बढ़ रहा है और यहाँ पर गोल्ड, गैस और कोयले के जखायर भी बेशबाह मौजूद हैं। जरूरत इस अमर की है कि यह मुल्क उन जखायर को किस तरह से एक्सप्लोर करता है। फन तमीर में जैसे मैंने कहा जिद्दत है, तो इसके साथ तारीखी लिहाज से भी ये मुल्क अपने तारीखी विरसे को अपने आगोश में लिए हुए है। इसके इस मुल्क के अंदर बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से अफवाज है, बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। स्पोर्ट्स के अंदर इस मुल्क ने बहुत से नाम कमाए हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, इस तरह स्क्वैश है, स्नोकर है, और इसके अलावा ओलंपिक्स में भी बहुत से खेलों में नुमाया मुकाम हासिल किया है। बेहतरीन लैंडस्केप की वजह से ये मुल्क खूबसूरत तरीन जो मुस्लिम मुल्क है उनमें इसका शुमार होता है। मसाजिद की फन तमीर बिल्कुल इंडिया, पाकिस्तान और अरब के से ये इंस्पायर बिल्कुल सेम है। इसके अलावा शुमाली इलाका जात के अंदर आपको कुछ चाइनीज तर्ज की इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी। इसके अलावा कुछ खास किस्म की यूनिक भी आपको वहां पर लैंडस्केप्स मिलेंगे जो कि अपने आप में एक दीदनी। डियर व्यूअर्स, इस मुल्क के जितने हिस्से हैं हर हिस्से की अपनी सकाफत है। अगर आप पंजाब में आए, सिंध में जाएं, बलूचिस्तान, केपी के, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे वो इलाके हैं जिनकी अपनी सकाफत है और हर इलाके इस वतन का हर हिस्सा अपनी सकाफत को अपने आगोश में समेटे हुए है। आज की इस वीडियो का क्योंकि ताल्लुक सीधा सीधा इस्लामी इतिहाद के साथ हमने रखा हुआ है, तो यहाँ मैं बात जरूर वही करता जाऊँगा कि अगर पाकिस्तान दूसरे इस्लाम मुल्कों के साथ मिलकर किसी इतिहाद को प्रमोट करता है, मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तो यकीन करें कि उसमें इस मुल्क का बड़ा कलीदी किरदार होगा। आमतौर पर इस्लामी ममालक में पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और एक बड़े भाई की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे तो तमाम इस्लामी ममालक ने इन एटम बम को इस्लामिक बम का नाम दिया था, जो इस बात की खमियाजी है कि तमाम इस्लामी ममालक पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं। और जरूरत इस अमर की है कि हम इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें तमाम मुल्कों में, ताकि सब हम आपस में मिलकर इतना जो स्ट्रॉन्ग मईशत है, हमारे पास फौज है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास जो मादनी वसाइल हैं, हर चीज बेशबहा है। सिर्फ बात इस चीज की कमी है कि हमारे यहाँ इत्तफाक नहीं है। अगर ये इस्लामी ममालक आपस में इत्तफाक इत्तेहाद कर लें तो यकीन करें कि दुनिया में कोई इसराइल जैसा मुल्क किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर, इस्लामी मुल्क छोड़ के इस्लामी कम्युनिटी पर भी कोई जुल्म करने का सोच भी नहीं सकता। जाहिर बात है इस इत्तेहाद और इस इत्तफाक मकसद किसी पर जुल्म करना, किसी को किसी पर कब्जा करना कोई इस तरह का नहीं है। इसका मकसद सिर्फ अपना दिफा है, तो अपने दिफा के लिए इस्लामी मुल्कों को जरूर इकट्ठा होना चाहिए ताकि दुनिया के बाकी ममालक जो कि गासबाना कब्जा किए हुए हैं मुख्तलिफ इस्लामी ममालक पर, उनको एक क्लियर मैसेज जाए जिसके अंदर फलस्तीन वाले हैं, कश्मीर वाले हैं, इनको बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। जहां पर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे इन ममालक को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। डियर व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी ममालक का तारफ आपके सामने पेश करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।